हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलिवन चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डोरमेट, जो कि ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। 2 घंटों में अप्रॉक्सीमेटली बन जाता है और ये बहुत ही अच्छा लगता है, जो कि मैंने वेस्ट क्लोथ से बनाया हुआ है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने कमेंट्स जरूर भेजिए और मेरे वीडियो को शेयर। आज मैं बनाऊंगी डोरमेट, जिसके लिए मुझे ये कई कलर के कपड़े चाहिए होंगे जो मिस यूज पड़े रहते हैं घर में, उसको आप यूज कर सकते हैं कोई भी कपड़ा हो। देखिए, इस तरह से मैंने 4 परत में इसको फोल्ड कर लिया है और मैं इसको देखिए इधर से 3 इंच और इसकी लंबाई 4 इंच इस तरह से निशान लगा लूँ। देखिए, इसको मैं इस तरह से कट कर लूँगी लंबी लंबी इस तरह से। देखिए, ये इस तरह से मैं कट कर लूँगी। काफ़ी सारी कट करने हैं मुझे और इसमें मैं 4 कलर लगाऊंगी। आप जो भी कलर हो वो आप लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से, देखिए मैंने इतनी सारी ये काट के रखे हैं और आपके पास जो कलर हो आप वो लगा सकते हैं। देखिए देखिए, इसके लिए मुझे एक पैंट का कपड़ा चाहिए, कपड़ा थोड़ा मोटा होना चाहिए और एक कोई ये मैं थाली ले रही हूँ। देखिए इस तरह से आप कोई भी सर्कल ले सकते हैं। इसमें देखिए मार्किंग करेंगे इस तरह से। देखिए ये मैंने मार्किंग कर ली है और आपको जितना बड़ा चाहिए डोरमेट उतना सर्कल ले सकते हैं। ये मैं छोटा मीडियम बना रही हूँ इसलिए छोटा ले रही हूँ। इसको राउंड में कट कर लेंगे। देखिए ये मैंने कट कर लिया है और देखिए इसके साइड में मैं इसको, ये लेस हमारी पड़ी है चुन्नी की, वेस्ट है घर में, इसको मैं यूज कर रही हूँ। इसमें देखिए इस तरह से मैं लगा दूंगी ताकि ये साइड से इसके धागे ना निकलें। देखिए इसमें ये कट लगाने से, ये लेस लगाने से पहले इसमें हम कट लगा लेंगे। देखिए इसको मैंने ऐसे फोल्ड किया और एक बार और इस तरह से कर दिया। देखिए छोटा सा कट हम यहाँ लगा लेंगे इस तरह से और एक यहाँ लगा लेंगे इस तरह से। देखिए जो मैंने कट लगाए हैं वहाँ से मैं इस तरह से इसमें क्रॉस का निशान लगा दूंगी। देखिए मैंने निशान लगा दिए, अब मैं इसमें ले, देखिए ये मैंने इस तरह से पट्टी लगा ली है इस पे लेस। आप चाहे तो यहाँ पे कपड़ा भी लगा सकते हैं। और देखिए ये मैंने क्रॉस में बनाया है, आप इसमें बीच से एक और डिजाइन डाल सकते हैं इस तरह से, मतलब इसमें 4 कली का है या 8 कली भी डाल सकते हैं आप इसमें। और देखिए ये मैं लंबाई से इसको फोल्ड करूंगी इस तरह से। देखिए देखिए इस तरह से इसको करके बीच में जहाँ आएगा देखिए वहाँ से मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी, कहीं से भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल पास पास में करना है इसको। देखिए इस तरह से, बिल्कुल टच होना चाहिए ताकि कपड़ा इसका दिखाई ना दे, नीचे वाला बेस इसका दिखे नहीं। देखिए इसी तरह से मैं इसको यहाँ से ये राउंड और यहाँ पे ये और ये क्रॉसिंग इसको कंप्लीट कर लूँगी। देखिए हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है और मैं इस तरह से, आप चाहो तो डबल सिलाई भी कर सकते हो इस पे। अब देखिए मैं यहाँ से इस पे, इस लाइनिंग पे ऐसे क्रॉस वाला सिलूंगी। इसको थोड़ा सा मैं इधर कर दूंगी आगे के साइड, इस तरह से हाथ से दबा दूंगी और मैं देखिए इस तरह से यहाँ से थोड़ा सा 1 इंच करीब दूर से यहाँ से स्टार्ट कर लूंगी सिलना।
देखिए अब मैं यहाँ से इस तरह से पास पास में रखेंगे, इसी तरह से मैं इधर यहाँ से इस तरह से कर दूंगी, इस साइड भी थोड़ा सा यहाँ तक 1 इंच छोड़ देंगे करीब, और इस साइड से भी देखिए यहाँ से ऐसे करके पूरा सिल के उसके बाद दिखाऊंगी। देखिए ये मैंने इस तरह से इसके कॉलम बना के कंप्लीट कर लिया। ये हमारा छोटा है इसलिए मैं आपको सिर्फ पैटर्न बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से बड़ा कर लें। इसके देखिए ये चारों तरफ मैंने इस तरह से ये बना लिए हैं। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, देखिए इसको थोड़ा सा इस तरह से कर दूँगी और यहाँ से थोड़ा सा छोड़ते हुए इतना, और इस तरह से यहाँ से आप चाहो तो निशान भी लगा सकते हो इस तरह से, देखिए इस तरह से सिलते हुए आऊँगी इस तरह से। जितने भी राउंड आप मेरे हो जाएंगे इसमें उतने में कर दूँगी इसमें। देखिए अब मैं ये कलर लगा रही हूँ इसमें इस तरह से, आपके पास जो हो वो आप लगा सकते हैं इसमें, कलरफुल लगाइए काफी अच्छा दिखता है। देखिए इसको भी थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ देंगे साइड से। आप चाहे तो इसको पलट के डबल सिलाई भी कर सकते हैं यहाँ से, देखिए मैं इसको फिर देखिए अब मैं इधर साइड यहाँ से देखिए यहाँ से इस तरह से इधर को लाऊंगी। यहाँ से रखूंगी इस तरह से, देखिए इसको थोड़ा सा खिसका देंगे। देखिए ये मैंने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब मेरा थोड़ा सा बचा है ये, अब मैं इसमें ये वाला कलर लगाऊंगी, देखिए इस तरह से आप जितने कलर चाहे उतने आप लगा सकते हैं। अब मैं इसको इस तरह से कर दूंगी, यहाँ पे थोड़ी सी जगह बची है इसको कंप्लीट करूँगी। देखिए इस तरह से मैंने एक कॉलम ये कंप्लीट कर लिया है, और इसको मैं जो भी है एक्स्ट्रा इसका कपड़ा उसको मैं कट कर दूँगी इस तरह से, ऊंचा नीचा है ये क्लियर हो जाएगा इस तरह से पकड़ते हुए। देखिए जो भी लगे आपको इस तरह से कट करने के बाद, देखिए इसी तरह से मैं एक ये वाला कॉलम इसका सेम बनाऊंगी और ये दोनों सेम बनाऊंगी, इसी तरह से इसको कंप्लीट करके उसके बाद दिखाऊंगी।